हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीसीडी अफला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ही वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो है स्मार्ट रिविजन करेंगे और विद फैक्ट्स के साथ में करेंगे, स्पेशल तथ्यों के साथ में, जो कि यूपी, एमपी, यूके और बिहार और एवं अन्य राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का वीडियो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका एक नंबर 5 है। सीपीसी का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। पहले भाग में जो है वो धाराएं दी गई हैं और दूसरे भाग में एक अनुसूची दी गई है जिसमें 51 आदेशों को दिया गया है और तीसरी जो भाग है उसमें परिशिष्ट दिए गए हैं, अपेंडिक्स, जो 8 अपेंडिक्स हैं जिसमें प्रोफार्मा, फार्मेट, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो सीपीसी जो है वो प्रक्रिया विधि है। सीपीसी का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था। उसके बाद जो है 1870 और 1879 और 1882 में इसको सब्स्टिट्यूटेड किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। इसके बाद सीपीसी जो है पूर्ण रूप से 1908 में अधिनियमित हुई और इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है वो 21 मार्च 1908 है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1909 से ये पूर्ण रूप से प्रवर्तन में आ गई। सीपीसी का जो विभाजन है इसमें 158 धाराएं दी गई हैं और 51 आदेश दिए गए हैं, एक अनुसूची में और 8 परिशिष्ट दिए गए हैं। तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है और जो 158 धाराएं हैं इनको 11 भागों में विभाजित किया गया है। सीपीसी 1908 में जो संशोधन है वो 1951 में किया जा चुका है, 1956 में हो चुका है, 1976 और 1999 और जो 2002 के संशोधन है ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है जो 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तन में है। 1999 एवं 2002 के संशोधन जो है 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तन में है। इसकी जो पुष्टि है वो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बना भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। तो इन दोनों संशोधनों को वैध करार दिया गया था। 1999 एवं 2002 के जो संशोधन है इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिविल कार्रवाइयों का जो निस्तारण है वो शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके, स्पीडी ट्रायल के लिए इन दो संशोधनों को किया गया था जिसको सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वैध घोषित किया गया है और 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तन में है। सीपीसी का जो प्रभाव है वो भविष्यलक्षी है न कि भूतलक्षी है। सीपीसी जो है समवर्ती सूची का विषय है। सीपीसी में संशोधन केंद्र सरकार एवं राज्य विधानमंडल सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और ऑर्डर्स में जो संशोधन है वो हाईकोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। सीपीसी 1908 की जो धारा 1 है उसके अनुसार जो सीपीसी का विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से सीपीसी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में भी प्रभावी है। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नोटिफिकेशन जो है जारी करके उसको प्रभावी कर सकेंगी, ये प्रावधान किया गया है। सीपीसी को संक्षिप्त में जो धाराएं हैं और उनके जो भाग हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि सीपीसी में अध्याय नहीं दिए गए हैं, भागों में डिवाइड किया गया है। तो कुल 11 भाग दिए गए हैं। तो 1 से 8 तक जो धाराएं वो प्रारंभिक हैं, वो किसी भाग में नहीं है। जो भाग 1 है वो धारा 9 से लेकर के 35B तक में दिया गया है, जिसमें 9 से 14 तक की जो धाराएं हैं वो न्यायालयों की अधिकारिता, पूर्व न्याय के बारे में बात करती हैं और 15 से 20 तक बात करने का स्थान, कहाँ पर बात संस्थित किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और धारा 21 और 21A में जो है अधिकारिता के बारे में, आक्षेप के बारे में बताया गया है कि जुरिडिक्शन पर अधिकारिता जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे किया जा सकेगा। धारा 22 से लेकर 25 तक वादों के ट्रांसफर के बारे में बताया गया है और धारा 26 जो है वादों को संस्थित करने के संबंध में प्रावधान करती है और धारा 27 से लेकर 32 तक के जो प्रावधान हैं वो संबंध के संबंध में दिए गए हैं, प्रतिवादियों को संबंध किस तरीके से जारी किए जाएंगे। धारा 33 में निर्णय और डिग्री के बारे में बताया गया है, 34 में ब्याज के बारे में और 35 और 35B में जो है कॉस्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद भाग 2 36 से लेकर 74 तक, तो इसमें निष्पादन एग्जीक्यूशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भाग 3 जो है 75 से लेकर 78 तक, इसमें कमीशन के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका चैप्टर को जो नाम है वो अनुसांगिक कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान जो है भाग 3 में दिए गए हैं, क्योंकि प्री एग्जाम में कभी कभी इन भागों के नाम भी पूछ दिए जाते हैं कि किस भाग में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 3 में कमीशन के बारे में बताया गया है, चैप्टर का नाम है अनुसांगिक कार्रवाइयां हैं।
वो 75 से लेकर 78 तक प्रावधान कमीशन के संबंध में है। भाग चार जो है 79 से लेकर 88 तक विशिष्ट मामलों में बात के बारे में बताता है और भाग पाँच में 89 से लेकर 93 तक जो है विशेष कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भाग छः जो है 94 से 95 इसमें अनुपूर्वक कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं और भाग जो सात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 96 से लेकर 112 तक अपील के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और भाग आठ वेरी इंपॉर्टेंट है प्री एनमेंट्स के पॉइंट्स अभी से धारा 113, 14, 115, 113 में उच्च न्यायालय को निर्देश डिफेंस और 114 में रिव्यू और 115 में रिवीजन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 116 से 120 तक प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंधों के बारे में बताया गया है और भाग 10 जो है 121 से लेकर 131 तक रूल्स के बारे में बताता है और भाग 11 वेरी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रावधान दिए गए हैं 132 से लेकर 158 तक में दिए गए हैं। तो ये सीपीसी का जो 11 भागों में किस तरीके से इसको वर्णित किया गया है उसके संबंध में प्रावधान किस तरीके से दिए गए हैं, किस धारा से किस धारा तक दिए गए हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता को पढ़ने का तरीका क्या हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीपीसी को किस तरीके से पढ़ना है। तो सीपीसी में जैसा कि 158 धाराएं दी गई हैं और 51 आदेश दिए गए हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के किस तरीके से पढ़ना है इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ताकि सीपीसी पढ़ने में कठिन ना लगे और आसानी से समझा जा सके। तो धारा 26 जो है बात संस्थित करने के बारे में प्रावधान करती है और आदेश 4 जो है वो भी बात किस तरीके से संस्थित किया जाएगा। तो धारा 26 के साथ में हम लोग आर्डर 4 को पढ़ेंगे, बात का संस्थित किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं दोनों में। और धारा 27 से लेकर 29 तक प्रतिवादियों को समन किस तरीके से जारी किए जाएंगे, तो धारा 27 से 29 तक प्रतिवादियों को समन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और साथ ही साथ ऑर्डर को जो है ऑर्डर 5 में प्रतिवादियों को समन के बारे में बताया गया है। ऑर्डर 16 जो है वो साक्षियों के समन के बारे में बताया गया है और 16A जो है वो जेल में निरुद्ध कैदियों को समन के संबंध में प्रावधान करता है। तो हम लोग 27 से लेकर 29 तक धाराएं जो है इनको ऑर्डर 5, ऑर्डर 16 और 16A के साथ में पढ़ेंगे। धारा 30 और से 32 तक की जो धाराएं हैं वो न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में है, तो इसमें ऑर्डर के साथ जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्डर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, इसमें न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। धारा 33 जो है निर्णय और डिग्री के बारे में बताती है और ऑर्डर 20 जो है वो भी निर्णय और डिग्रियों के संबंध में प्रावधान करता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। धारा 34 और 35A और 35B में ब्याज के बारे में दिया गया है, 20A जो है ब्याज के और खर्चों के बारे में प्रावधान करता है ऑर्डर 20A। धारा 36 से लेकर 74 तक एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता है, तो ऑर्डर 21 जो है वो भी एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता है जिसमें 106 रूल दिए गए हैं। 75 से लेकर 78 तक की जो धाराएं हैं वो कमीशन के बारे में बात करती हैं, तो धारा 75 से 78 के संबंध में जो कमीशन के प्रावधान दिए गए हैं तो इसको हम लोग ऑर्डर 26 के साथ में पढ़ते हैं जिसमें कमीशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। 79 से लेकर 82 तक की जो धाराएं हैं वो सरकार के संबंध में या सरकार के द्वारा बात या सरकार के विरुद्ध बात करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑर्डर 27 जो है कि सरकार के विरुद्ध बात करने की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में दिया गया है ऑर्डर 27 में। धारा 88 जो अंतर्विवाची बात की बात करती है, इंटर बिल्डर सूट जो है कब फाइल किया जा सकता है, तो ऑर्डर 35 में प्रक्रिया दी गई है कि किस तरीके से इंटर बिल्डर सूट जो है फाइल किया जाएगा। धारा 90 जो है वो विशेष मामलों के संबंध में है, इसके साथ में जो ऑर्डर हम लोग रीड करते हैं वो 36 है। इसके बाद 94 से 95 तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के संबंध में है, तो इसके संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो ऑर्डर 38, 39, 40 में दी गई है। 96 से लेकर 99 तक जो है मूल डिग्रियों की अपील के संबंध में प्रावधान दिया गया है, तो इसके संबंध में जो ऑर्डर है जो प्रक्रिया के बारे में बताता है ऑर्डर 41 है। और धारा 100 से लेकर 106 तक जो है वो द्वितीय अपील सेकेंड अपील के बारे में बात करती है और आदेशों की अपील के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑर्डर 42 और 43 है उसके संबंध में प्रक्रिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 107 से 108 तक अपील संबंधी साधारण जो उपबंध है उनके बारे में बताया गया, तो इसके साथ में हम लोग ऑर्डर 41 का जो रूल 24 और से लेकर 27 तक प्रावधान है उनको देखते हैं। धारा 109 से 112 तक जो है उच्चतम न्यायालय में अपील कैसे की जाएंगी उसके बारे में बताया गया है, तो प्रक्रिया जो है ऑर्डर 45 में दी गई है, 113 में रेफरेंस दिया गया है, ऑर्डर 46 में भी रेफरेंस के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। धारा 114 में जो है पुनर्विलोकन रिव्यू के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो ऑर्डर 47 जो है वो रिव्यू के बारे में प्रक्रिया की बात करता है। धारा 7 जो है प्रांतीय लघुवार न्यायालय, इसके साथ में ऑर्डर 50 और धारा 8 जो है प्रेसिडेंसी लघुवार न्यायालय ऑर्डर 51 को रीड करते हैं।
तो इस तरीके से सीपीसी को अगर साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी लगेगी और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं हैं उनको संक्षेप में समझ लेते हैं। इसके बाद थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं हैं, धारा 1 के अनुसार जो इसका विस्तार है वो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में 31 अक्टूबर 2019 से सीपीसी को प्रभावी कर दिया गया है। धारा 2 में 20 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें धारा 2.1 जो है संहिता के बारे में बात करती है, सिविल प्रक्रिया संहिता उसका अर्थ बताया गया है, संहिता से क्या तात्पर्य होगा। धारा 2.2 में डिग्री की परिभाषा दी गई, 2.3 में डिग्री होल्डर की परिभाषा दी गई है और 2.4 में डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा दी गई, जिला की परिभाषा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो 2.7 और इसके बाद 2.8, 9 और 10 जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आती है 2.11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताती है। इसके बाद 14 जो है अल्डर के बारे में बताती है, 15 जो है पीडर के बारे में और 2.18 है वो रूल्स के बारे में बताती है। जो रूल्स ऑर्डर में दिए गए हैं उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है 20 धाराएं, धारा 2 की 20 उपधाराएं दी गई हैं, जिसमें 20 परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 जो है न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में बताता है, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, किसके सबॉर्डिनेट होंगे। तो जिला न्यायालय हैं वो सामान्यतः जो है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे और जो अन्य न्यायालय हैं जैसे कि सिविल न्यायालय हैं, लघुवार न्यायालय हैं, वो साधारणतः जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ होंगे। तो धारा 3 में सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है। धारा 5 संहिता का जो है राष्ट्रीय न्यायालयों को लागू होना बताया गया है। तो धारा 5 के अनुसार जो राष्ट्रीय न्यायालय हैं उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता प्रभावी हो सकेगी और कुछ मामलों में नहीं हो सकेगी, उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 6 क्षेत्राधिकार के बारे में बताती है। तो धारा 6 जो है वो धन संबंधी अधिकारिता के बारे में बताती है, पिकिनरी जुडिशियल के बारे में, और धारा 9 से लेकर 14 तक है वो सब्जेक्टिव जुडिशियल के बारे में बताती है, और 15 से लेकर जो 20 तक की धाराएं हैं वो टेरिटोरियल जुडिशियल के बारे में बताती हैं, स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में प्रावधान 15 से लेकर 20 तक धाराओं में दिया गया है, और 21 से 21 में जो है ऑब्जेक्शन के बारे में बताया गया है, क्षेत्र अधिकार पर किस तरीके से ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं हैं उनको हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सीपीसी की धारा 2 है उसको डिस्कस करते हैं। 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, तो 2.2 में डिग्री की परिभाषा दी गई है। तो डिग्री की आवश्यक तत्व क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से जो है प्री और मेंस एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिग्री के आवश्यक तत्व हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो डिग्री में क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि न्यायालय का न्याय निर्णय होना चाहिए और प्रारूपिक अभिव्यक्ति। तीसरा है कि विवादग्रस्त विषयों का निर्धारण किया गया हो और डिग्री के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें एक प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री होती है। डिग्री का किसी बाद में दिया जाना और डिग्री में शामिल है जिसको हम लोग डीम डिग्री कहते हैं, तो बात पत्र का नाम मंजूर किया जाना, ऑर्डर 7, रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बताता है, इस डिग्री में शामिल किया जाता है। धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण जिसको हम लोग डीम डिग्री कहते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, और जो डिग्री में शामिल नहीं है तो ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है उसको डिग्री में शामिल नहीं किया जाता है, और कोई सूट जो डिफॉल्ट में खारिज किया गया है दोनों पक्षकारों की अनुपस्थिति में उसको डिग्री में शामिल नहीं किया जाता है, और किसी प्रश्न का अवधारण जो धारा 47 के अंतर्गत किया जाता है, इनको तीन जो तथ्य हैं इनको डिग्री में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये डिग्री के आवश्यक तत्व हैं। प्री एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देते हैं कि डिग्री में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री के पक्षकार दो पक्षकार होते हैं, पहला होता है आज्ञप्तिधारी जिसको हम लोग डिग्री होल्डर कहते हैं, जिसकी परिभाषा जो है धारा 2 की उपधारा 3 में दी गई है, और दूसरा जो पक्षकार होता है वो निर्णयतिली जिसको जजमेंट डेटर कहते हैं, इसको धारा 2 की उपधारा 10 में परिभाषित किया गया है। डिग्री कब जारी होगी, तो ऑर्डर 20 रूल 6A में बताया गया है कि डिग्री कब तैयार की जाएगी, जहां तक संभव हो डिग्री को शीघ्रता और शीघ्र तैयार किया जाएगा, यदि शीघ्र तैयार नहीं हो पाती है तो अन्य दशा में जो निर्णय सुना जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर जो है डिग्री तैयार हो जानी चाहिए। और डिग्री की तारीख क्या होगी, तो डिग्री की तारीख ऑर्डर 20 रूल 7 में बताया गया है कि जो निर्णय की तारीख है वही डिग्री की तारीख होगी, ऑर्डर 20 रूल 7 में बताया गया है। तो डिग्री के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की डिग्री हो सकती हैं, तो प्रारंभिक डिग्री हो सकती है जो बात के दौरान जारी की जाती है, और अंतिम डिग्री होती है जो बात के न्याय निर्णय यानी अंतिम न्याय निर्णय पर तैयार की जाती है। अंशतः प्रारंभिक
या अंततः अंतिम डिग्री भी हो सकती है, जिस और जो डीम डिग्री है ऑर्डर 7 रूल 11, जिसका बात पत्र का नामंजूर किया जाना, इसको भी डीम डिग्री कहा जाता है। धारा 144 के अंतर्गत इसी प्रश्न का जो अवधारणा वो भी डीम डिग्री के अंतर्गत कहलाता है। एक समझौता डिग्री होती है जिससे कि ऑर्डर 23 रूल 3 में बताया गया है, इस जो अपीलीय नहीं है, ऑर्डर 96 का जो धारा 96 है उसकी उपधारा 3 जो है वो अपीलीय डिग्री नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ केसला दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि यदि समझौता डिग्री जो है पक्षकारों की सहमति कपट देकर प्राप्त की गई तो उस मामलों में वो अपीलीय हो सकेगी, अन्यथा जो है समझौता डिग्री अपीलीय नहीं होती है। एक पक्षीय डिग्री ऑर्डर 9 रूल 6 में बताया गया है अपीलीय है धारा 96(2) के अंतर्गत, एवं 9 रूल 13 सेट असाइड पास भी करवाया जा सकता है, इसको 30 दिन के भीतर करवाया जा सकता है। तो एक पक्षीय डिग्री के संबंध में 2 प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले 9(13) में इसको अपास्त कराया जा सकता है या फिर 96(2) के अंतर्गत इसकी अपील की जा सकती है। समाश्रित डिग्री एक कंटिजेंट डिग्री होती है, ऑर्डर 46 रूल 2 में दिया गया है। तो प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं उनको हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। प्रारंभिक डिग्री जो है बात के दौरान जारी की जाती है, जब बात का ट्रायल चल रहा होता है उस समय प्रारंभिक डिग्री जारी की जा सकती है, लेकिन अंतिम डिग्री जो है वो बात जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तभी जारी की जाती है, जब पूर्ण रूप से न्याय निर्णय हो जाता है। प्रारंभिक डिग्री जारी होने के बाद शेष कार्रवाई आगे जारी होना रहता है, लेकिन अंतिम डिग्री जारी होने के बाद कोई भी आगे शेष कार्रवाई नहीं होती है। प्रारंभिक डिग्री को जो है बात का अंतिम निर्धारण नहीं माना जाता है, लेकिन अंतिम डिग्री को बात का जो है पूर्ण रूप से अंतिम निर्धारण माना जाता है। प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर निर्भर नहीं होती, लेकिन अंतिम डिग्री जो है प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर करती है। प्रारंभिक डिग्री एक मामले में एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन अंतिम डिग्री जो है एक मामले में एक ही होती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में। इसके बाद धारा 2(3) जो है वो डिग्री होल्डर को परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि डिग्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई भी डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है उसको डिग्रीदार कहा जाता है। धारा 2(10) जो है वो निर्णय त्रिणी जजमेंट डेटर के बारे में बताती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई भी डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है तो वो निर्णय त्रिणी जजमेंट डेटर कहलाता है। तो ये दोनों जो पक्षकार हैं डिग्रीदार और डिग्री निर्णय त्रिणी जजमेंट डेटर डिग्री के पक्षकार होते हैं, जिसमें एक के पक्ष में डिग्री जारी की जाती है और एक के विरुद्ध डिग्री जारी की जाती है। जिसके विरुद्ध डिग्री जारी की जाती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं और जिसके पक्ष में डिग्री जारी की जाती है उसको डिग्री होल्डर डिग्रीदार कहते हैं। धारा 2(11) में विधिक प्रतिनिधि के संबंध में प्रावधान दिया गया है, जो मृतक की संपदा का विधि की नजर में प्रतिनिधित्व करता है उसको विधिक प्रतिनिधि कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित लोगों को शामिल किया गया है, इसे विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत कोई मध्यवर्ती दखलंदार हो गया जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता हो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है, दखलंदार या मध्यवर्ती कहलाता है। प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत कोई भी न्यासी हो गया, प्रशासक हो गया, निष्पादक हो गया, उसके उत्तराधिकारी हो गए, सहस्वामी हो गए, ये सब जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत आते हैं। सीपीसी में विधिक प्रतिनिधि के संबंध में कहाँ का प्रावधान दिए गए हैं तो धारा 2(11) में तो परिभाषा दी गई है विधिक प्रतिनिधि के संबंध में, और धारा 50 में विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है। धारा 52 में विधिक प्रतिनिधि के विद्युत डिग्री के प्रवर्तन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, और धारा 146 में विधिक प्रतिनिधि के द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो विधिक प्रतिनिधि के संबंध में जो है इन चारों प्रावधानों के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है। धारा 2(8) न्यायाधीश के बारे में प्रावधान करती है, तो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी धारा 2(8) के अंतर्गत न्यायाधीश समझा जाएगा सीपीसी के अंतर्गत। धारा 2(9) में निर्णय के बारे में बताया गया है, तो निर्णय से क्या अभिप्रेत है कि न्यायाधीश के द्वारा किसी डिग्री या आदेश के आधारों का कथन जो है वो निर्णय कहलाता है। धारा 2(5) में विदेशी न्यायालय के बारे में बताया गया है, तो ऐसा कोई भी न्यायालय जो भारत राज्य की सीमा के बाहर स्थित है और उसकी स्थापना और संचालन जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है वो विदेशी न्यायालय कहलाता है। विदेशी निर्णय को 2(6) में बताया गया है, तो किसी विदेशी न्यायालय का जो निर्णय है वो विदेशी निर्णय कहलाता है। धारा 13 जो विदेशी निर्णय का निश्चायक होने के समय बताया गया है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा कब नहीं होगा, तो विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा तो इसके संबंध में 6 जो है तथ्य एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला सबसे पहला ये कि सक्षम अधिकारता वाले
न्यायालय के द्वारा यदि नहीं दिया गया है तो वो निश्चायक नहीं होगा, अगर उस सक्षम अधिकर्ता न्यायालय द्वारा दिया गया है तभी निश्चायक कंक्लूसिव माना जाएगा। दूसरा है कि अगर मेरिट पर आधारित नहीं है तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है, या फिर चौथा है कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, या फिर पांचवा है फ्रॉड से प्राप्त किया गया है, या फिर इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं धारा 13 में दिए गए हैं, यदि इनके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है या तो विदेशी निर्णय को जो है कंक्लूसिव निश्चायक नहीं माना जाएगा। धारा 213 जो है जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 213 से कई बार पूछा जा चुका है प्री एग्जाम में कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत धारा 213 में क्या सम्मिलित है क्या सम्मिलित नहीं है, उगती फसलें घास, तो CPC के अंतर्गत जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगली फसलें आती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो CPC के इम्पॉर्टेंट्स एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग एक देखते हैं जहाँ से CPC का भाग फर्स्ट प्रारंभ होता है, धारा 9 से लेकर 35 तक में जो है भाग एक में साधारण वादों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 9 कहती है कि जब तक वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन सिविल न्यायालयों को CPC 1908 के अंतर्गत उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान लेना अव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है सिविल प्रकृति के सभी वादों का सुनने की अधिकारता होगी। जो प्रोहिबिटेड हैं एक्सप्रेसली या फिर इम्पायर्डली को छोड़कर के सभी सिविल वादों की न्यायालय को सुनने की अधिकारता होगी। तो सिविल प्रकृति के बाद किनको सिविल प्रकृति का बात कहा जाता है किनको नहीं कहा जाता है, तो इसके संबंध में कुछ जो है उदाहरण हमने यहाँ पर आप लोगों के समझ उपस्थित किए हैं। तो पहला ये है कि बकाया वेतन का बात जो है, या फिर पूजा करने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, मृतक को दफनाने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सब सिविल प्रकृति के वाद हैं, इनको सिविल वाद माना जाता है। विशिष्ट अंतोष का अधिकार, सिविल अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार हो गया, संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का अधिकार हो गया, विवाह विच्छेद संबंधी बात है, पद के लिए कोई बात हो गया, प्रबंधन संबंधी कोई बात हो गया, भाटक के लिए कोई बात हो गया, घोषणा संबंधी कोई बात हो गया, या जात से निष्कासन का बात हो गया, ये सिविल प्रकृति के बाद कहे जाते हैं। जो सिविल प्रकृति के बाद नहीं कहे जाते हैं राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में कोई बात जो है वो सिविल प्रकृति का बाद नहीं माना जाता है। जातिगत प्रश्नों के संबंधी कोई बात सिविल प्रकृति बाद नहीं होता है, धार्मिक क्रियाकलाप के संबंध में या जाति से बहिष्कार, चंदा देने का बात, गोपनीयता के अधिकार संबंधी बात, ऐच्छिक भुगतान संबंधी बात, पद से जुड़ी गरिमा की रक्षा के लिए बात, या कोई ऐसा बात जो अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित किया गया है वार्ड है तो वो सिविल प्रकृति के बाद नहीं कहे जाते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में बनते हैं कि कौन से बात सिविल प्रकृति के हैं कौन से नहीं हैं, तो इनकी लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है। इसमें से आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, दूसरी लिस्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धारा 10 की, जो बात को रोक दिए जाने के संबंध में है, जिसको स्टे ऑफ सूट कहते हैं। इसके जो एक मैक्सिमम है रेस सबजुडाइस धारा 10 में दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है प्रशासनिक इस बात में कन्फ्यूज होते हैं कि रेस सबजुडाइस या रेस जुडिकेटा किस धारा में दिया गया है। तो धारा 10 में रेस सबजुडाइस दिया गया है और धारा 11 में रेस जुडिकेटा को बताया गया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो धारा 10 जो है वो रेस सबजुडाइस के बारे में बताती है बात को रोक दिया जाना। धारा 10 कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी बात या विवादक का विचारण नहीं करेंगे जिनमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं भी पक्षकारों के या पक्षकारों के अधिकार के अधीन कोई भी दावा करने वाले के मध्य किसी भी पूर्ववर्ती बात में प्रत्यक्ष रूप से या सार्थक विवादक हैं, जबकि पूर्ववर्ती बात जो है किसी ऐसे सक्षम न्यायालय के में संस्थित है जो भारत में स्थित है। तो धारा 10 के जो आवश्यक तत्व हैं कि दो वादों का संस्थित होना और पूर्ववर्ती न्यायालय जो है अंतोष देने में सक्षम हो, और पक्षकार दोनों ही वादों में समान हो, एक ही पक्षकार हो, और विवादक प्रसन्न दोनों ही वादों में समान हो, तो दोनों वादों में जो सत्व है टाइटल भी समान हो, तो पश्चातवर्ती बात को रोकता है। तो जब दोनों ही बात एक समान है, दोनों में समान पक्षकार हैं और दोनों में टाइटल भी एक समान है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा बात है वो उसको ट्रायल करने से रोका जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है, धारा 10 का जो उद्देश्य कि वादों की बहुलता को रोकना और न्यायालय के समय के दुरुपयोग को रोकना, और जो विरोधाभासी निर्णय अगर दोनों बात एक साथ चलेंगे, अगर दोनों मामलों में सुनवाई होती है तो निर्णय आने की प्रबल संभावना रहती है कि दोनों निर्णय जो है विरोधाभासी होंगे, तो इस चीज़ को रोकने के उद्देश्य से जो है धारा 10 को CPC में रखा गया है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो विदेशी न्यायालयों में लंबित वादों में ये लागू नहीं होता है।
समरी बात जो है उसमें धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अंतरिम आदेश को इंटरिम ऑर्डर है उस पर प्रभाव भी नहीं होगा, तो ये धारा 10 के अपवाद हैं। तो धारा 10 के प्रावधान जो है वो अज्ञापक हैं, प्रकृति के हैं। न्यायालय के द्वारा धारा 151 का प्रयोग करके पश्चादवर्ती बात को रोका जा सकता है। धारा 11 जो पूर्व न्यायाधीश न्यायालय की बात करती है, कोई भी न्यायालय ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेंगे जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वालों के किन्हीं पक्षकारों के मध्य या जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत वे दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रतिष्ठा या सारता विवादक रहा है और अंतिम निर्णित किया जा चुका है। तो धारा 11 जो है इसके कुल 8 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले कि पूर्ववर्ती वाद प्रीवियस सूट, दूसरा है न्यायालय की सक्षमता कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, तीसरा है स्वीकार या फिर इनकार किया गया हो, चौथा है अन्वयिक पूर्व न्याय कंस्टिट्यूटिव रेस जुडिकेटा। तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है प्री एग्जाम में कि कंस्टिट्यूटिव रेस जुडिकेटा किस धारा में दिया गया है, तो धारा 11 की उपधारा 4 में कंस्टिट्यूटिव रेस जुडिकेटा के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 11(5) में जो है अंत्योस के बारे में बताया गया, 6 में विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के संबंध में 7वां है निष्पादन की कार्रवाई, और जो 8वां है सीमित अधिकारता के बारे में बताया गया है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। इसके संबंध में जो केस लाए जो प्री एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, सत्यचरण बनाम देवराजन का मामला है, अवतार सिंह जगतजीत सिंह का मामला है, मथुरा प्रसाद दूसरी बाई का मामला है, दरियाव सिंह उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, डचेस बनाम किंगस्टन का मामला है, शिव प्रसाद बनाम रामानंद का मामला है, ये सब जो है केस जो है धारा 11 से संबंधित हैं। धारा 11 की जो महत्वपूर्ण सूक्ति है वो 3 सूक्ति दी गई है। पहला है कि नेमो डेविड विश्वेश्वरी प्रो बिना इडम का जाए, यानी एक ही बाद हेतु के लिए द्वारा तंग ना किया जाए किसी को। दूसरी मैगजिम जो है इंटरेस्ट रिपब्लिक के अटसिट फिनेस लिटियम, यानी राज्य हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। और तीसरी जो मैगजिम है इंपॉर्टेंट रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट अक्वायर, यानी एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। धारा 11 किन मामलों पर लागू होगी और किन मामलों पर लागू नहीं होगी, तो एग्जीक्यूशन के मामलों में धारा 11 लागू होगी, आर्बिट्रेशन के मामलों में धारा 11 लागू होगी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अन्वयिक पूर्व न्याय के मामलों में लागू होगी, रिट पिटीशन के मामलों में लागू होगी, लेकिन रिट के संबंध में जो है हैबियस कॉर्पस उस पर लागू नहीं होगी। एक्स पार्टे डिसीजन पर एक पक्षीय निर्णय पर लागू होगी, पीआईएल पब्लिक लोक बात पर जो है धारा 11 लागू होगी, और किन पर लागू नहीं होगी, तो सेटलमेंट ऑफ डिग्री पर धारा 11 प्रभावी नहीं होगी, क्रिमिनल मैटर्स के संबंध में धारा 11 लागू नहीं होगी, माइनर के अगेंस्ट में है अवेस्ट के संबंध में लागू नहीं होगी, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ उस पर लागू नहीं होगी, रिजेक्शन ऑफ सूट ऑर्डर 7 और 11 पर लागू नहीं होगी, हैवियस कार्पस रिट है उस पर लागू नहीं होगी, बाकी 4 और रिट है उन पर लागू होगी, मेंटेनेंस डिग्री पर धारा 11 लागू नहीं होगी, टैक्स लॉ के संबंध में है और जो मिसलेनियस प्रोविजन दिए गए उन पर धारा 11 लागू नहीं होगी। तो जो जिन पर लागू होगी वो इस तरीके के जो बात है उन पर लागू होगी। धारा 10 और 11 में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो धारा 10 में जो बाद लंबित होता है और धारा 11 के अंतर्गत बाद जो है पूर्ण रूप से निर्णित हो चुका होता है। धारा 10 के अंतर्गत नया बात तो लाया जा सकता है लेकिन उसको ट्रायल करने से रोक दिया जाता है। धारा 11 में नया बात ही नहीं लाया जा सकता है। धारा 12 जो है अतिरिक्त बात का वर्जन बार टू फर्दर सूट के बारे में बताया गया है, जहां पर भी वादी विशिष्ट वाद हेतु के संदर्भ में अतिरिक्त बात संस्थित करने के लिए रोका गया है, वहां पर वादी उस बात के संबंध में बात संस्थित करने के लिए हकदार नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं धारा 21 ये बात लाने के स्थान पर के आधार पर डिक्री को पास कराने के लिए बात संस्थित नहीं किया जा सकता है, किसी भी डिग्री को अपास कराने के लिए उसके स्थान पर नया बात नहीं लाया जा सकता है, अडर धारा 21 ये कहती है। धारा 47(1)(31) डिग्री के निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि के लिए कोई भी पृथक बात नहीं लाया जाएगा, अगर कहीं पर भी डिग्री का निष्पादन करवाना है उसका तुष्टि करवानी है तो उसके संबंध में कोई नया बात नहीं लाया जाएगा, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग की जाएगी। धारा 95(2) ये कहती है कि जहां कहीं पर भी अपर्याप्त आधारों से पूर्व निर्णय गिरफ्तारी कुर्की या आदेश जारी किया गया है वहां पर प्रतिकर के लिए कोई भी आवेदन जो है मूल बाद में ही किया जाएगा, उसके लिए कोई नया बात संस्थित नहीं किया जाएगा। धारा 144 तो ये कहती है प्रत्यास्थापन इंस्टीट्यूशन के लिए कोई भी बात संस्थित नहीं किया जाएगा, प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन करना होगा, बाद नहीं लाया जा सकता है अलग से। ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 जहां पर वादी ने जानबूझकर किसी दोष या दावे के भाग का लोप किया है त्याग किया है वहां उसके लिए पुनः बाद नहीं ला सकता है। ऑर्डर 9 रूल 9 जहां वादी की अनुपस्थिति के कारण नियम ऑर्डर 9 नियम 8 के अंतर्गत बात खारिज किया गया है वहां वादी उसी बात हेतु पर नया बात नहीं कर सकेगा, तीन परिस्थितियों में जो है वादी नया बात नहीं ला सकता है। ऑर्डर 11 रूल 21 तो जहां पर वादी परिप्रश्नों के उत्तर देने में या दस्तावेज के प्रकटीकरण
करने में असफल रहता है, वहाँ पर वाद खारिज हो सकता है, तो वादी उसके संबंध में नया वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। ऑर्डर वाइस रूल 9 सब रूल 1 में कहा गया है, जहाँ वाद को उपसमित या खारिज किया जाता है, वहाँ पर नया वाद नहीं लाया जा सकता है। ऑर्डर 23, जहाँ वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध अपने दावे को वापस ले लिया है, किसी भाग को विड्रॉ कर लिया है, तो वहाँ पर उस भाग के लिए पुनः नया वाद नहीं ला सकेगा। बात करने का स्थान क्या होगा, धारा 15 में बताया गया है, तो यह न्यायालय जिसमें बात संस्थित किया जा सकेगा। तो बात साधारणता जो न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। सक्षम न्यायालय कौन है, सबसे पहले तो ये कि धन संबंधी अधिकारता हो न्यायालय को सुनने को, जो धारा 6 में बताया गया है, और विषय वस्तु संबंधी अधिकारता हो धारा 16 में बताया गया है, और क्षेत्रीय संबंधी अधिकारता धारा 17-18 में बताया गया है। स्थानीय अधिकारता के संबंध में जो प्रावधान है वो स्थावर संपत्ति 16-17-18 में दी गई है। जंगम संपत्ति और शरीर के विरुद्ध जो बात है वो धारा 19 में बताए गए हैं, और अन्य बात धारा 20 में बताए गए हैं। तो इन सब अधिकारता के अंतर्गत बात उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसको ये सभी अधिकारताएँ होंगी। इसके बाद धारा 16 ये कहती है कि वादों का वहाँ संस्थित किया ना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, तो विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए निम्नलिखित बात उस न्यायालय में संस्थित किए जाएंगे जहाँ पर स्थावर संपत्ति जो है स्थित है। तो स्थावर संपत्ति संबंधी बात बाटक या लाभों सहित या रहित संपत्ति के प्रतिद्रोह का वाद होता है, विभाजन बंटवारा के लिए वाद लाया जा सकता है, पूर्वबंध या विक्रय मोचन के लिए वाद लाया जा सकता है, अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए वाद, दोष के प्रतिकर के लिए वाद, जंगम संपत्ति की कुर्की या कस्तम का वाद जो है। धारा 16 का परंतु ये कहता है कि अचल संपत्ति संबंधित बात सिर्फ वहाँ संस्थित हो सकते हैं जहाँ संपत्ति स्थित है, परंतु वहाँ पर भी संस्थित किए जा सकते हैं जहाँ प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, जहाँ पर विवादित संपत्ति प्रतिवादी के द्वारा धारण की जाती है या उसके लिए कोई भी अन्य व्यक्ति धारण करता है, तो वहाँ पर भी बात संस्थित किया जा सकता है, या फिर एवं मांगा गया निर्दोष प्रतिवादी के स्वीय अज्ञानुवर्तन के पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ पर भी बात संस्थित किया जा सकता है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों के अधिकारता के भीतर स्थित संपत्ति के लिए बात के बारे में प्रावधान करती है, जहाँ पर संपत्ति विभिन्न न्यायालयों में स्थित है वहाँ पर बात उनमें से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है यदि वह न्यायालय आर्थिक रूप से सक्षम हो। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है दो जिला में सीमाओं के आसपास है, तो उस परिस्थिति में जो है बात कहाँ संस्थित किया जाएगा, तो उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसको आर्थिक रूप से जो है अधिकारता हो बात सुनने की, तो वहाँ पर संस्थित किया जा सकेगा। धारा 18 कहती है कि जहाँ न्यायालयों की अधिकारता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहाँ पर वास संस्थित करने का क्या स्थान होगा, तो जहाँ संपत्ति इस प्रकार स्थित है कि दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी की अधिकारता में कोई संपत्ति आती है तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर न्यायालय का समाधान होगा कि अनिश्चितता के लिए पर्याप्त आधार क्या है, तो मामले या बात का उनमें से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जहाँ पर संपत्ति स्थित हो। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोषों के प्रतिकर के लिए बात की बात करती है, तो धारा 19 जो है सबसे पहले बाद युद्ध उत्पन्न हुआ हो प्रतिवादी जहाँ निवास करता हो या कारोबार करता हो या विलाप के लिए काम करता है वहाँ पर बात संस्थित किया जा सकेगा। तो जहाँ पर बाद युद्ध उत्पन्न होता है वहाँ पर, या फिर जहाँ प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है वहाँ बात संस्थित किया जा सकेगा, या जहाँ पर वह जीवन निर्वाह के लिए अपने को कार्यरत समझता है वहाँ पर वह बात संस्थित किया जा सकता है। जंगम संपत्ति शरीर के प्रति दोषों के प्रतिकर हेतु बात किया जा सकेगा। धारा 20 जो है अन्य बात वहाँ संस्थित किया सकेगा जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या बाद हेतु पैदा होता है, ऐसा कोई भी मामला जो धारा 16, 17, 18, 19 में आता है तो वे कहाँ वहाँ संस्थित होंगे, तो जहाँ पर बाद हेतु पूर्णता या भागता उत्पन्न हुआ है, या फिर जहाँ प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए या अपनी जीव को उपार्जन के लिए कोई कार्य करता है, जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हों तो वहाँ पर अन्य प्रतिवादियों की सहमति से फिर न्यायालय की अनुमति से किसी भी ऐसे स्थान पर संस्थित किया जा सकता है जहाँ प्रतिवादियों में स्वेच्छा से निवास करते हों या फिर कारोबार या जीविका उपार्जन के लिए कार्य करते हों, तो वहाँ पर बात संस्थित किया जा सकता है। धारा 21 जो है अधिकारता के बारे में अधिक्षेप बताती है, ऑब्जेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन। स्थानीय अधिकारता और धन संबंधी अधिकारता निष्पादन न्यायालय की अधिकारता पर अधिक्षेप प्रथम अवसर पर या फिर विवादक स्तर से पहले अधिक्षेप किया जा सकता है, उसके बाद अधिक्षेप नहीं किया जा सकता है। धारा 21 ये जो कहती है कि बात लाने के स्थान पर आक्षेप, डिग्री को अपास करने के लिए बात का वर्जन बताया गया है। पूर्ववर्ती बाद में पारित डिग्री की विधिमानता के संबंध में बात लाने पर आक्षेप है, नया बाद नहीं लाया जा सकता है, डिग्री को एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है उसके संबंध में कोई नया बाद नहीं लाया जा सकेगा। धारा 22 वादों के अंतरण के संबंध में बताती है कि न्यायालय की क्या क्या शक्तियां होंगी, तो जहां पर कोई भी मामला एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित हो सकता है तो वहां पर ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है अंतरण प्रार्थना पत्र इसको कहते हैं, बात संस्थित होने के बाद प्रतिवादी जो है मामले के अंतरण के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है अंतरण प्रार्थना पत्र के लिए आवेदन जो है प्रतिवादी कर सकता है, वादी नहीं कर सकता, क्योंकि वादी ही बात संस्थित करता है, प्रतिवादी को अधिकार दिया गया है कि वो बात को जो है ट्रांसफर करवा सकता है। ट्रांसफर
एप्लीकेशन जो है प्रथम स्तर पर या विवादक स्थिरीकरण से पहले किसी भी समय प्रतिवादी के द्वारा आवेदन किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। धारा 23 से कहती है अंतरण के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा, तो धारा 23 अपीलीय न्यायालय में जब एक ही जिले में हो, या फिर उच्च न्यायालय में जब विभिन्न जिलों में हो, या फिर उच्च न्यायालय में भिन्न भिन्न जिलों में हाईकोर्ट में किया जा सकेगा। तो जहाँ पहले बात संस्थित होगा उसी न्यायालय के अधिकारता वाले हाईकोर्ट में ट्रांसफर अप्लीकेशन दी जाएगी। धारा 24 अंतरण और प्रत्याधारण की साधारण शक्ति के बारे में बताती है, तो उच्च न्यायालय की और जिला न्यायालय की शक्ति के बारे में धारा 24 में बताया गया है। तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जो हैं वो मामले को अपने पास मंगा सकते हैं, उनको अंतरित कर सकते हैं, ये धारा 24 में उनको शक्ति दी गई है। धारा 25 में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दी गई है कि मामलों को अंतरित करने की, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो है अंतरण के लिए गलत प्रार्थना पत्र दिया गया है, बेबुनियाद तौर पर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में जो है 2000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है पक्षकार के ऊपर। तो वादों को संस्थित किया जाना इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है धारा 26 में बताया गया है। धारा 26 वादों को संस्थित किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ में हम लोग ऑर्डर 4 का रूल 1 एंड 2 और ऑर्डर 6-7 को एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि बात किस तरीके से संस्थित किया जाता है। तो धारा 26 एक जो है प्रत्येक बात पत्र के द्वारा संचित किया जाएगा। बात पत्र के तथ्य जो है वो शपथ पत्र से साबित किए जाएंगे। तो ऑर्डर 4-1 रूल 1 और 2 में ये चीज दी गई है, और ऑर्डर 6 में जो है प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया है, ऑर्डर 7 में जो प्लेंट के बारे में बताया गया है। धारा 26-1-2 में प्रावधान दिए गए हैं कि प्रत्येक बात पत्र के द्वारा संचित किया जाएगा, और बात पत्र के जो तथ्य है वो शपथ पत्र से साबित किए जाएंगे। और ऑर्डर 4 रूल 1 ये कहता है कि प्रत्येक बात जो है वो 2 प्रतियों में न्यायालय में प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष संचित किया जाएगा। ऑर्डर 4 रूल 4 ये कहता है कि प्रत्येक बाद में ऑर्डर 6 एवं ऑर्डर 7 के नियमों का पालन किया जाएगा, और जो बात पत्र है वो 2 प्रतियों में संचित किया जाएगा। ऑर्डर 4 रूल 1 का सब रूल 1 एंड 2 का पालन किया गया है तो बात को सम्यक रूप से संचित माना जाएगा। ऑर्डर 4 रूल 2 सब रूल 6 ये कहता है कि न्यायालय उपरोक्त बात की विशिष्ट बात रजिस्टर में दर्ज करेगा। धारा 27 प्रतिवादियों को सम्मन जब बात संस्थित हो जाएगा तो न्यायालय के अगली जो प्रक्रिया है वो बात प्रतिवादियों को सम्मन के संबंध में है। तो बात सम्यक रूप से संस्थित हो जाने के बाद प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए उसको लिखित में डब्ल्यूएस प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी के नाम से सम्मन जारी किया जाएगा। सम्मन की जो तामील है बात संस्थित होने के 30 दिन के भीतर सम्मन की तामील हो जानी चाहिए, जिसके साथ में हम लोग ऑर्डर 5 रूल 1 एवं ऑर्डर 8 रूल 1 को देखते हैं। 30 दिन का जो समय दिया गया है। धारा 28 जो है राज्य से बाहर सम्मन की तामील की बात की गई, और 29 में विदेश में सम्मन की तामील की बात की गई। धारा 30 में प्रकटीकरण के बारे में बताया गया। धारा 31 में साक्षी को सम्मन के बारे में बताया गया कि साक्षी को सम्मन कब किया जाएगा। सम्मन तामील के जो ढंग दिए गए हैं किस तरीके से सम्मन तामील किया जा सकेगा, तो सबसे पहले कि न्यायालय के द्वारा बाई कोर्ट, दूसरा है डाक के द्वारा बाई पोस्ट, तीसरा है वादी के द्वारा बाई प्लेंटिफ के द्वारा सम्मन तामील कराया जा सकता है। सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, सम्मन की तामील सबसे पहले तो व्यक्तिगत पर्सनल की जाएगी जो ऑर्डर 5 रूल 12 से लेकर 15 तक में दिया गया है। दूसरा ये कि वयस्क व्यक्ति से की जा सकेगी, सब्स्टिट्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्डर 5 रूल 15 में दिया गया है। निवास स्थान पर चस्पा करके सम्मन को, इसको एक्सटेंडेड सर्विस कहते हैं, ऑर्डर 5 रूल 17 में दिया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित करके, डेली न्यूज़पेपर में निकलवा करके, ऑर्डर 5 रूल 20 में दिया गया है प्रावधान। तो इस तरीके से सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। धारा 32 में अगर कोई सम्मन तामील हो जाने पर उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपना सकता है, व्यतिक्रम के लिए क्या क्या दंड दे सकता है। तो धारा 30 के अधीन निकाले गए सम्मन पर यदि कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है जिसको सम्मन जारी किया गया है तो न्यायालय निम्नलिखित प्रयोजनों को अपना सकता है। सबसे पहले गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा उसके संबंध में, दूसरा उसकी संपत्ति की कुर्की या विक्रय का आदेश कर सकेगा, तीसरा है 5000 रुपये से अनाधिक यानी 5000 रुपये तक जुर्माना लगा सकेगा, परंतु जुर्माना जो है वो न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारता के अंतर्गत रहते हुए लगाएगा। चौथा है सिविल कारागार को भी सुपुर्द कर सकेगा। धारा 33 जो निर्णय और डिग्री के बारे में बताती है, तो इसके साथ में हम लोग ऑर्डर 20 को पढ़ते हैं। तो न्यायालय सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसरण में डिग्री तैयार की जाएगी। धारा 34 ब्याज के बारे में बताती है, तो 6% प्रतिवर्ष से अनाधिक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बाद की तारीख से डिग्री की तारीख तक का जो ब्याज है वो 6% तक होगा। ब्याज जो है वो धन की डिग्री के संदाय के लिए ही होगा, जो डिग्री धन के संबंध में दी गई उसी पर ब्याज की बात की जाएगी। धारा 35 खर्चे के बारे में बात करती है, तो सभी बातों
के और अनुषंगिक खर्चों को दिलवाने का जो अधिकार है वो न्यायालय के विवेकाधीन है। न्यायालय जितना समझेगा उतना करवा सकेगा। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि कितना खर्चा दिलाया जाए, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। धारा 35 ए जो है मिथ्या या तंग वाले दावों में प्रतिरात्मक खर्चों की बात की गई है, तो 35 ए की जो धारा 2 है वो 3,000 रुपये से अनाधिक को समाप्त कर कर जो है न्यायालय के विवेकाधीन कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि मिथ्या तंग करने वाले प्रतिबंध खर्चों पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 3,000 शब्द है इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको न्यायालय के विवेकाधीन कर दिया गया है। धारा 35 भी है विलंब कारित करने के लिए खर्चे, तो बात की सुनवाई पर बात के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जो है कार्रवाई करने में यदि विलंब करता है तो उस पक्षकार को दूसरे पक्षकार को जो हानि होती है उस हानि को पूर्ति करने के लिए अगर किसी पक्षकार को नियत तारीख पर बुलाया गया है, पक्षकार नहीं हाजिर होता है, तो दूसरे पक्षकार को जो हानि होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए जो न्यायालय खर्चों की संदर्भ का आदेश कर सकता है, दूसरे पक्षकार को खर्चा दिला सकता है। भाग 2 जो है निष्पादन एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता है, तो 36 आदेशों को लागू होना बताती है, 37 डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा दी गई है और 38 वे न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकेगी। तो डिग्री किसके द्वारा निष्पादित की जा सकेगी, सबसे पहले तो यह है कि पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा, जैसा कि धारा 37 में बताया गया डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा क्या दी गई है, तो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा निष्पादित की जा सकेगी या उस न्यायालय के द्वारा जिसको वे निष्पादन के लिए भेजी गई है उसके द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। धारा 39 डिग्री का अंतरण किसको किया जाएगा, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय डिग्री के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारता वाले अन्य न्यायालयों को भी निष्पादन के लिए भेज सकेंगे यदि जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है अन्य न्यायालय के अधिकारता में निवास करता है या कोई ऐसा कारोबार या फिर जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य करता है, डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त संपत्ति किसी अन्य न्यायालय क्षेत्राधिकार में स्थित है, स्थित संपत्ति विक्रय या परिदान करने का निर्देश दे सकेगा या अन्य कारणों को लेखबद्ध करेगा कि निष्पादन अन्य न्यायालय के द्वारा क्यों किया जाए, स्वप्रेरणा से सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा। धारा 39 जो है डिग्री अंतरण करने के न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 40 जो है अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री के अंतरण के बारे में बताया गया है। 41 निष्पादन की कार्रवाइयों के परिणाम को प्रमाणित करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 42 जो है अंतरिक्ष डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। उपधारा 1 जो है 42 की, जिस न्यायालय को डिग्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है उस न्यायालय को वे ही शक्तियां होंगी कि मानो डिग्री उसी ही न्यायालय ने पारित की हो। उपधारा 2 ये कहती है कि उपधारा 1 पर प्रभाव डाले बिना डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं। पहला है धारा 39, अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिग्री भेजने की शक्ति होगी। धारा 50 के अंतर्गत जो मृत निर्णय त्रिड़ी है उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध डिग्री की निष्पादन करने की शक्ति होगी। तीसरा है डिग्री को कुर्क करने का न्यायालय का आदेश देने की शक्ति होगी। उपधारा 3 ये कहती है डिग्री के निष्पादन का आदेश पारित करने वाले न्यायालय उसकी एक प्रति जो है डिग्री पारित करने वाले मूल न्यायालय को भी भेजेगा। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, तो उपधारा 4 में अपवाद दिए गए हैं, तो डिग्री के निष्पादन जो है वो अंतरित न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ नहीं होंगी। पहला क्या है कि डिग्री की अंतति की प्रेरणा के आधार पर डिग्री का निष्पादन करने का आदेश देने की शक्ति नहीं होगी। किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिग्री की दशा में इसे ऑर्डर 21 रूल 50 में कहा गया है कि निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिग्री के निष्पादन की इजाजत देने की शक्ति नहीं होगी। धारा 43 कहती है कि जिन स्थानों पर संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालय के द्वारा पारित डिग्री का निष्पादन। धारा 44, जिन स्थानों पर संहिता का विस्तार नहीं है वहां के राज्य शिशु न्यायालयों के द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन किस तरीके से किया जाएगा। धारा 45, भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन किस तरीके से किया जाएगा, तो भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन जो है निष्पादन हेतु भेजने के लिए न्यायालय को केंद्रीय सरकार सशक्त कर सकती है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा ही जो है भारत के बाहर डिग्रियों का निष्पादन करवाया जा सकता है। 46 आज्ञा पत्र की बात करती है, बस डिग्री पारित करने वाले न्यायालय अन्य किसी सक्षम न्यायालय को डिग्रीदार के आवेदन पर डिग्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के हेतु आज्ञा पत्र निकाल सकेगा, परंतु दिया गया है कि आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी कुर्की 2 माह से अधिक चालू नहीं रहेगी। धारा 47 कहती है प्रश्न जिनका अवधारण डिग्री का पारित करने वाले न्यायालय को करना होगा, तो उन सभी प्रश्नों का अवधारण डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को करना होगा जो बात के पक्षकारों के मध्य प्रतिनिधियों के मध्य या डिग्री पारित की गई है और डिग्री के निष्पादन में उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित कोई भी प्रश्न किया गया है, तो उनका निर्धारण जो है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, इसके संबंध में कोई भी नया बात नहीं लाया जाएगा। धारा 49 अंतति के बारे में बताती है। धारा 50 विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में, जिसकी जो परिभाषा है वो 211 में दी गई है। धारा 51 निष्पादन कराने के न्यायालय की शक्तियों के संबंध में बताया गया है, तो निष्पादन कराने वाले न्यायालय की क्या क्या शक्तियां होंगी, तो शर्तों और
परिसीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय डिक्री दायर के आवेदन पर आदेश कर सकेगा जैसा कि वह समझे। तो डिक्री का जो निष्पादन है वो संपत्ति के परिधान के द्वारा किया जा सकेगा, कुर्की एवं विक्रय के द्वारा किया जा सकेगा, कारागार में निरोध के द्वारा किया जा सकेगा, रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा किया जा सकेगा, अन्य रीति से जो अनुतोष की अपेक्षा के अंतर्गत हों उनके द्वारा डिग्री का निष्पादन किया जा सकेगा। धारा 52 विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का प्रवर्तन की बात की गई है। धारा 53 पैतृक संपत्ति का दायित्व, धारा 54 में संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण, धारा 55 गिरफ्तारी अनुरोध के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, धाराओं के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं जिनको परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उन फैक्टरों को डिस्कस कर रहे हैं। और जो धाराएं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, सिर्फ उनकी हेडिंग्स ही आप देख लीजिए, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। जहाँ से क्वेश्चन धाराओं के अंदर से बनते हैं उनके फैक्ट को हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में ना छूट सके। धारा 55 गिरफ्तारी अनुरोध के बारे में बताया गया है। तो निर्णय तिथि को डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथासाध्य न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाएगा। इसमें एक प्रोविजो दिया गया है, तो गिरफ्तारी के प्रयोजन से इस धारा के अधीन किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य निकलने के पहले प्रवेश नहीं किया जाएगा। निवास गृह का जो बाहरी द्वारा है तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि वे निर्णय तिथि के अधिभोग में ना हो, उसके कब्जे में ना हो। तीसरा है कि प्रधानसीन महिला के अधिभोग में कमरा है तो निर्णय तिथि नहीं है, यदि वो महिला निर्णय तिथि नहीं है तो उसको सूचना दी जाएगी और वहां से उसको हटने के लिए युक्तियुक्त पर्याप्त समय दिया जाएगा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी कि वहां से हट जाए, तत्पश्चात उसके बाद गिरफ्तारी हेतु कमरे में प्रवेश किया जाएगा। तो ये जो धारा 55 की गिरफ्तारी अनुरोध के संबंध में प्रक्रिया दी गई है, इसके उपधाराएं और प्रावाइजो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री एग्जाम में बनते हैं। चौथा है कि धन की डिक्री में निर्णय को गिरफ्तार किया गया है, यदि वे डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्च अदा कर देता है तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तीसरा है कि धन की डिक्री में निर्णय तिथि को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाता है, यदि वे धन अदा करने में सक्षम है तो ये अपने को दिवालिया विधि के अंतर्गत दिवालिया घोषित करवा सकता है, उसको अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। धारा 56 धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, तो न्यायालय जो है धन की डिग्री के निष्पादन में किसी भी स्त्री को गिरफ्तार करने और उसको सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश नहीं करेगी। धारा 57 जीवन निर्वाह भत्ता के बारे में बताया गया है और धारा 58 निरोध और छोड़ा जाना, तो किस आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, तो सिविल कारागार जहां डिग्री धन के संबंध में हो, तो यदि 2,000 रुपये तक की कोई डिग्री का धन है तो उसके संबंध में कोई भी कारावास नहीं होगा, लेकिन 2001 से लेकर 5,000 रुपये तक कोई भी मनी डिग्री है तो उसके संबंध में 6 सप्ताह तक का कारावास हो सकेगा और 5,000 से लेकर कितनी भी अधिक धनराशि क्यों ना हो तो 3 माह से अधिक का कोई भी कारावास नहीं दिया जाएगा। तो धारा 58 निरोध और छोड़े जाने का संबंध बताती है। धारा 59 रुग्णता बीमारी के आधार पर कब उसको छोड़ा जा सकेगा, तो न्यायालय गिरफ्तारी वारंट निकाले जाने के बाद किसी भी समय गंभीर बीमारी के आधार पर वारंट को रद्द कर सकेगा या फिर न्यायालय निर्णय तिथि जहाँ की गिरफ्तार होकर के कारागार में निरुद्ध हो यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसे छोड़ सकेगा, और जहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया गया है और उसको वहां से तो राज्य सरकार संक्रामक रोग के आधार पर उसको छुड़वा सकेगी अथवा सुपुर्द करने वाला न्यायालय गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर उसको छोड़ सकेगा। इस धारा के अधीन छोड़ा गया व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा, सही होने के बाद उसको पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, किंतु कारागार में निरोध की अवधि जो है धारा 58 के द्वारा बीत अवधि से अधिक नहीं होगी, 3 माह से अधिक नहीं होगी, इसे धारा 58 में बताया गया है। धारा 60 ये कहती है कि वे संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, तो कौन कौन सी संपत्ति जो है डिग्री के निष्पादन एग्जीक्यूशन के संबंध में कुर्क की जा सकेंगी, विक्री की जा सकेंगी, किनको नहीं किया जा सकेगा, धारा 60 ये बताती है। सबसे पहला है कि भूमि, आवास, अन्य निर्माण, जो कोई माल है या कोई धनिक वस्तु है, धन, बैंक नोट हो गया, विनिमय पत्र हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, बंद पत्र हो गए, ऐसे कोई भी जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति जो निर्णय तिथि के नाम है या उसके कब्जे में है, जिसको वो धारित करता है, उसको होल्ड करता है, तो ऐसी संपत्ति को जो कुर्क और विक्रय किया जा सकेगा। और इसका जो प्रोविजो दिया गया है कि उसमें बताया गया है कौन सी संपत्ति जो है कुर्क और विक्रय नहीं किया सकेगी, तो सबसे पहले निर्णय तिथि या फिर उसकी पत्नी या उसके बच्चे के जो पहनने के कपड़े हैं या आवश्यक वस्त्र हैं
या भोजन पकाने के बर्तन हैं, चारपाई हैं, बिछौने आदि हैं, उनको कुर्क नहीं किया जा सकेगा। पत्नी के निजी आभूषण हैं, उनको कुर्क नहीं किया जा सकेगा। कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से कोई ऐसे आभूषण जिनको अलग नहीं करना चाहती, मंगलसूत्र वगैरह, उनको कुर्क नहीं किया जा सकेगा। यदि कृषक है, कोई भी नीति के लिए यदि कृषक है, और खेती करने के उसके जो औजार हैं उनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। कोई शिल्पीकार है, उसके औजार को कुर्क नहीं किया जा सकता है। जीविका के पर्याप्त साधन कमाने के जो हथियार औजार हैं उनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। गृह एवं अन्य निर्माण जो उपयोग के लिए आते हैं, कोई भी भूमि सहित जिसमें गृह बना हुआ है उसको कुर्क नहीं किया जा सकेगा। लेखा भाइयाँ हो गए, नुकसानी के लिए बात लाने का अधिकार हो गया, व्यक्तिगत सेवा कराने का अधिकार हो गया, पेंशन आदि जिसको केंद्र सरकार के द्वारा किसी को दिया जा रहा है, श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी चाहे वो धन हो या फिर वस्तु के रूप में उनको दी गई हो, भरण पोषण के संबंध में भिन्न डिग्री के निष्पादन में कितना भाग कुर्क किया जा सकेगा, तो ये जो है डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया सकते हैं। तो धारा 60 I जो प्रावधान करती है कि भरण पोषण से भिन्न डिग्री में निष्पादन में वेतन का कितना भाग कुर्क किया सका, कितना कुर्क नहीं किया सकेगा। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस से भिन्न डिग्री है उसमें कितना वेतन का भाग कुर्क किया जाएगा, कितना नहीं किया सकेगा। तो वेतन का प्रथम 1,000 रुपये भूख कुर्क नहीं किया जाएगा और बाकी 2/3 भाग भूख कुर्क नहीं किया जाएगा, शेष जो है कुर्क किया सकेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का वेतन 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये सबसे पहले 1,000 रुपये निकाल लीजिए भूख कुर्क नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9,000 बचा, तो 9,000 का 2/3 6,000 रुपये जो हुआ भूख कुर्क नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 1,000 और 6,000 कुर्क नहीं किया जाएगा, तो यानी कुल 7,000 रुपये कुर्क नहीं किया जाएगा और 3,000 रुपये जो शेष बचा हुआ है वो कुर्क किया जा सकेगा। इसके बाद धारा 60 I ये जो कहता है भरण पोषण की डिग्री में कितना कुर्क किया जा सकेगा, अगर कोई डिग्री भरण पोषण की डिग्री है तो उसके निष्पादन में कितना वेतन का भाग कुर्क किया सकेगा, तो इसका जो है 1/3 भाग कुर्क नहीं किया जाएगा, बाकी शेष 2/3 भाग कुर्क किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेतन किसी का 12,000 रुपये है, उसका 1/3 4,000 रुपये तो कुर्क नहीं होगा, लेकिन 8,000 रुपये शेष जो बचता है वो कुर्क किया जा सकेगा, वो भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में। और उससे भिन्न मामलों में प्रथम 1,000 रुपये और शेष 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भरण पोषण से भिन्न जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसको आपको अच्छे से देखना है। जो डिफरेंट की बात करता है यहाँ पर, जो भिन्न दे रखा है यहाँ पर, ये कहता है भरण पोषण की डिग्री में, तो इसमें सिर्फ 1/3 है और इसमें प्रथम 1,000 रुपये और 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जाएगा, इसमें 1/3 भाग कुर्क नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में ही बनते हैं और छात्र जो है कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। धारा 60 KV जो है जीवन बीमा पॉलिसी है, तो संदाय धन है उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। उत्तर जीविता के द्वारा उत्तराधिकार की संपत्ति उसको कुर्क नहीं किया, भावी भरण पोषण का अधिकार उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। ऐसे भत्ते जिसे भारतीय विधि में कुर्क एवं विक्रय है तो छूट प्रदान की गई है, तो इन सबको जो है कुर्क नहीं किया जाएगा। धारा 61 कहती है कृषि उपज को अंशता छूट दी गई है, तो कृषि उपज है कोई फसल है उसको पार्टली छूट दी गई है। धारा 62 इसके साथ में धारा 55 को पढ़ेंगे, निवास गृह में संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। धारा 63 कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। धारा 64 कुर्की के पश्चात संपत्ति के अन्य संक्रमण का शून्य होना। धारा 65 क्रेता का हक बताया गया। धारा 67 जो है धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार जो है धन का संदाय की जो डिग्री है उनके संबंध में भूमि और उसके विक्रय के बारे में नियम बना सकेगी। धारा 73 निष्पादन में विक्रय के आगामों का डिग्रीदारों के बीच में अनुपातिक रूप से वितरित करना, उनको विभाजित किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया। धारा 74 निष्पादन का प्रतिरोध बताया गया है। भाग 3 जो है कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग धारा 26 के साथ में पढ़ेंगे। अनुसांगिक कार्रवाइयाँ जिसमें बताई गई कमीशन, तो भाग 3 का जो आपको नाम याद रखना है अनुसांगिक कार्रवाइयाँ जिसमें कमीशन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो धारा 75 कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति के बारे में बताती है। तो शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय निम्नलिखित के संबंध में कमीशन निकाल सकेगा। पहला, किसी व्यक्ति की परीक्षा कराने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। दूसरा है स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी कर सकेगा। तीसरा है लेखाओं की परीक्षा या उसको समायोजन करने के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा। चौथा है कि विभाजन के लिए बंटवारा के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा। पांचवा है कोई भी वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा। छठा है कि बात के लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में ऐसी संपत्ति जो शीघ्र क्षयशील होने वाली, खराब होने वाली, उसको विक्रय करने के लिए न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। कोई भी अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। तो इस संबंध सबके संबंध में न्यायालय जो है कमीशन निकाल सकेगा। धारा 76 कहती है कि अन्य न्यायालय को कमीशन निकालने की शक्ति बारे में बताया गया है। और धारा 77 अनुरोध पत्र की बात करती है, जो व्यक्ति भारत के बाहर निवास करता है उसके संबंध में
कमीशन के बदले में जो अनुरोध पत्र निकाला जाएगा, कमीशन जारी नहीं किया जाएगा, जो विदेशों में निवास करते हैं या भारत के बाहर रहते हैं। धारा 78 विदेशी न्यायालयों के द्वारा कमीशन निकालने के बारे में बताता है। भाग 4 जो है विशिष्ट मामलों में बात, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 79 जो है सरकार के द्वारा या उनके विरुद्ध बात जब किए जाते हैं तो किसके नाम से बात किए जाएंगे, तो इसके संबंध में जो है ऑर्डर हम लोग 27 को पढ़ते हैं। सरकार के विरुद्ध या सरकार के द्वारा बात की प्रक्रिया जो धारा ऑर्डर 27 में दी गई है और धारा 79 में प्रावधान दिए गए हैं। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है उसमें बताया गया है कि जब राज्य के विरुद्ध या केंद्र सरकार के विरुद्ध बात संचित किया जाएगा तो किस नाम से संचित किया जाएगा, तो केंद्र सरकार या उसके विरुद्ध बात की दशा में जो है या उसके द्वारा बात की दशा में भारत संघ का नाम आएगा। यदि कोई राज्य सरकार है या उसके द्वारा बात संचित किया जाता है या उसके विरुद्ध बात संचित किया जाता है तो उस दशा में राज्य का नाम आएगा। धारा 80 सूचना नोटिस की बात करती है, तो जब राज्य के विरुद्ध कोई भी बात दायर किया जाएगा तो 2 महीने की सूचना देना अनिवार्य मैंडेटरी है, आज्ञापक है। केंद्र सरकार के विरुद्ध बाद में सरकार के सचिव को दी जाएगी। अगर कोई भी बात केंद्र सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है तो सबसे पहले सूचना जो है वो केंद्र सरकार के सचिव को दी जाएगी। अगर रेलवे से संबंधित कोई बात है तो रेलवे के प्रधान प्रबंधक को सूचना दी जाएगी 2 माह की। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई बात है तो सचिव को या फिर कलेक्टर को 2 माह की सूचना दी जाएगी, नोटिस भेजा जाएगा। धारा 81 गिरफ्तारी और सुई अफसाने जाति से छूट की बात करती है। धारा 82 डिग्री का निष्पादन, जो सरकार के विरुद्ध कोई भी डिग्री पारित की जाती है तो धारा 82 में कहा गया कि डिग्री की तारीख से 3 माह के पश्चात निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा, उससे पहले 3 माह से पहले डिग्री का निष्पादन का आदेश नहीं निकाला जाएगा जो सरकार के विरुद्ध डिग्री है। धारा 83 अन्य देशी कब बात ला सकेंगे, 84 विदेशी राज्य कब बात ला सकेंगे, 85 सरकार के द्वारा विशेष रूप से नियुक्ति व्यक्ति जो है विदेशी शासकों की ओर से उनका आयोजन या प्रतिरक्षा के लिए बात की गई है, 86 विदेशी राज्यों और राजदूतों दूतों के विरुद्ध बात की बात की गई है, 87 है विदेशी शासकों को वादों के पक्षकारों के रूप में संविधान के संबंध में प्रावधान दिया गया, 87 है विदेशी राज्य और शासक की परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये जो धारा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विदेशी राज्य और शासक की परिभाषा किस धारा में दी गई, धारा 87A में दी गई है। इसके बाद जो प्रावधान है वो अंतर्विवाची बात, इंटरप्लेटर सूट धारा 88, इसके साथ में जो ऑर्डर 35 है उसको पढ़ा जाता है प्रक्रिया के संबंध में। अंतर्विवाची बात ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 88 अंतर्विवाची बात के बारे में बताता है, जो प्रक्रिया वो ऑर्डर 35 में दी गई है। तो अंतर्विवाची बात इसको इंटरप्रेटर सूट के नाम से जाना जाता है, तो एक ऐसा बात है जिसमें विवाद जो है वादी में प्रतिवादी के बीच ना होकर के सिर्फ प्रतिवादियों के बीच में होता है, तो अंतर्विवाची बात उस बात को कहते हैं जिसमें विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच में नहीं होता है, सिर्फ प्रतिवादियों के बीच में होता है, तो उसे अंतर्विवाची बात कहा जाता है। तो इस बात में जो विवाद है वो संपत्ति के स्वामित्व के बारे में होता है कि संपत्ति पर स्वामित्व किसका है, प्रतिवादी संपत्ति पर अपना अपना स्वामित्व जताते हैं और संपत्ति वादी के कब्जे में होती है, जो उस संपत्ति में किसी अन्य प्रकार का दावा नहीं करता है कि उसका संपत्ति का स्वामी है या कुछ है, केवल उसका खर्चे की मांग का दावा होता है वादी का, वे न्यायालय द्वारा अधिकृत प्रतिवादी को संपत्ति देने के लिए भी तैयार रहता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं, जिससे ABC तीनों प्रतिवादी हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध जो हैं उस संपत्ति के लिए, मान लीजिए कोई एक हीरे की अंगूठी है उसके स्वामी होने का दावा करते हैं, जो अन्य व्यक्तिवादी है डी के पास वो संपत्ति रखी हुई है और अन्य व्यक्ति जो डी है वादी विवादित संपत्ति में प्रभाव और खर्चों के अतिरिक्त उसका कोई भी दावा नहीं है, अन्य व्यक्ति जो वादी है डी उस संपत्ति को असली स्वामी को देने को तैयार भी है, ऐसी परिस्थिति में डी जो है किसी अन्य पचड़े में पड़ने से अपने को बचाने के लिए प्रतिवादीगण ABC के विरुद्ध एक अंतर्विवाची बात संस्थित कर सकेगा, जिसमें न्यायालय से प्रार्थना करेगा कि संपत्ति का असली स्वामी है उसको निर्णित किया जाए और वे उसको संपत्ति अपनी जो उसके कब्जे में वो दे देगा, लेकिन उसमें जो अपने प्रभार और खर्चे हैं उसकी मांग करेगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो वादी जो अंतर्विवाची बात संस्थित करता है उसका संपत्ति में स्वामित्व नहीं होता है, सिर्फ उसके ऊपर जो खर्चे प्रभार होते हैं उसको पाने का अधिकारी होता है और वो संपत्ति देने को तैयार होता है, और जो विवाद मेन है वो प्रतिवादियों के मध्य ही होता है, वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई विवाद नहीं होता है, वादी अपने को बचाने के लिए अंतर्विवाची बात संस्थित कर सकता है। प्रक्रिया एवं शर्तें जो है आदेश 35 में दी गई हैं। तो ऑर्डर 35 रूल बन क्या कहता है, अंतर्विवाची बात पत्र में आवश्यक कथनों के अलावा निम्न कथन भी शामिल होंगे। पहला ये कि वादी विवादित वस्तु में अपने प्रभारों एवं खर्चों के अतिरिक्त किसी भी अन्य हित का कोई दावा नहीं करेगा। दूसरा ये कि वादी और प्रतिवादियों के बीच किसी भी प्रकार की कोई दुराभिसंधि नहीं हो। तीसरा यह है कि प्रतिवादियों के द्वारा अलग अलग किए गए दावों का कथन किया गया हो।
और अर्डर 35 रूल 2 ये कहता है कि वादी के द्वारा ऐसी संपत्ति या वस्तु जो न्यायालय की अभिरक्षा में रखी जा सकती है उसको न्यायालय में जमा किया जाएगा। ऑर्डर 35 रूल 4 ये कहता है कि प्रक्रिया विचारण के दौरान वादी एवं प्रत्यादियों के बीच में दायित्व खर्चों एवं प्रभार का आदेश और वाद पदों की रचना इत्यादि ये है प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद धारा 89 जो है 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा, तो न्यायालय के बाहर मामलों का निपटारा कैसे होता है तो धारा 79 में बताया गया है। इसके साथ में हम लोग ऑर्डर 10 का रूल 1 ABC पढ़ेंगे जहाँ पर किस तरीके से न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा किया जाता है इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 89 की उपधारा एक ये कहती है कि जहाँ न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि कोई भी ऐसा बात जिसमें पक्षकारों के मध्य समझौता होना चाहिए या होने की संभावना है तो ऐसे किसी भी बात में विचारणा के दौरान न्यायालय को यदि प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है तो न्यायालय समझौते हेतु निम्नलिखित निर्देश दे सकता है कि पहला मध्यस्थ के द्वारा या फिर सुलह के द्वारा या फिर लोक अदालत में उसको भेज सकते हैं, बीच बचाव करा सकते हैं। तो ऑर्डर 10 रूल 1 जो ए है वो वैकल्पिक विवाद निस्तारण की बात करता है। दूसरा है सुलह मंच के द्वारा विवाद को यदि पक्षकारों में समझौता नहीं होता है वो समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो जो वाद पुनः है वो न्यायालय में वापस आ जाएगा और पक्षकारों को न्यायालय में पुनः उपजात होना पड़ेगा। ऑर्डर 10 रूल 1 सी ये कहता है। धारा 90 न्यायालय की राय के लिए मामलों का कथन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग ऑर्डर 36 के साथ में पढ़ते हैं फ्रेंडली सूट। धारा 91 कहती है लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है। तो धारा जो 91 है CPC की इसको हम लोग IPC की धारा 268 के साथ पढ़ते हैं जिसमें लोक न्यूसेंस के बारे अपराध बारे में बताया गया है। तो धारा 91 लोक न्यूसेंस के विरुद्ध बात सचित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है तो महाधिवक्ता के द्वारा। तो लोक न्यूसेंस के विरुद्ध जो बात है वो कौन सचित कर सकेगा, तो पहला है तो महाधिवक्ता कर सकेगा या फिर 2 या 2 से व्यक्ति जो है न्यायालय की अनुमति से बात सचित कर सकते हैं। लोक न्यूसेंस के विरुद्ध बात किसी भी घोषणा के संबंध में किया जा सकता है या फिर व्यादेश के लिए किया जा सकता है, इंजंक्शन के लिए या किसी अन्य अनुतोष के लिए बात दायर किया जा सकता है लोक न्यूसेंस के संबंध में। धारा 92 लोक पूरक कार्य या फिर लोक चारा या लोक खैरात, ये जो है हिंदी वालों के लिए बहुत दुखदायी धारा है क्योंकि इंग्लिश में तो पब्लिक चैरिटी लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में कभी कभी लोक पूरक शब्द लिख के आ जाता है और कभी कभी लोक चारा लिख के आता है, कभी कभी लोक खैरात शब्द लिख के आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। धारा 92 में तीनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो इसके लोक पूरक के संबंध में जो बात है किसके द्वारा सचित किया जाएगा, पहला यहाँ कहा जा सकता है कि या तो महाधिवक्ता के द्वारा या फिर न्यायालय की अनुमति से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा कि धारा 91 में किया गया है लोक न्यूसेंस के लिए। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो हो रही है, महाधिवक्ता के द्वारा या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय की अनुमति से बात सचित किया जा सकता है। और बात कहाँ संस्थित होगा, सक्षम न्यायालय में संस्थित होगा। बाद निम्नलिखित के लिए संस्थित किया सकेगा, किस किस के लिए बात जो है लोक पुरस्कार संस्थित किया सकेगा, तो इसमें किसी भी न्यायाधी को लोक पुरस्कार के लिए किसी भी न्यायाधी को हटाने के लिए या उसको नियुक्त करने के लिए बात संस्थित किया सकेगा, या न्यायाधी में संपत्ति को निहित करने या उसको कब्जा दिलाने के लिए बात संस्थित किया सकेगा, लेखाओं और जांचों की निर्देश करने के लिए बात संस्थित किया सकेगा, डिक्लेरेशन डिग्री के लिए बात संस्थित किया सकेगा, डिक्लेटरी सूट फाइल किया सकेगा, न्याय संपत्ति का पट्टा बंधक या विनिमय के लिए बात संस्थित किया सकेगा, कोई भी योजना बनाने के लिए बात संस्थित किया सकेगा, अन्य अनुतोष जो मामले की प्रगति से अपेक्षित होते हैं उनके संबंध में बात संस्थित किया सकेगा। धारा 93 जो है प्रेसिडेंसी नगरों के बारे में महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। हम लोग बात करते हैं भाग 6 अनुपूरक कार्रवाइयाँ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात की गई है। तो धारा 94 अनुपूरक कार्रवाइयाँ, इसको हम लोग धारा 151 CPC और CRPC का जो धारा 482 और एविडेंस में धारा 165 दिया गया है उसको एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एंड्स ऑफ जस्टिस न्याय के उद्देश्यों के संबंध में जो है अनुपूरक कार्रवाइयाँ दी गई हैं धारा 94 में। CPC की जो धारा है 94 इसके साथ में धारा 151 CPC की, CRPC 482 एविडेंस का 165 जिसमें ये शब्द जो प्रयोग हुआ है इंड ऑफ जस्टिस के लिए जो है न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। तो इन सभी धाराओं में इंड ऑफ जस्टिस की बात की गई है धारा 94 CPC का, 151 में CPC का और CRPC का 482 एविडेंस का 165 जहाँ पर इंड ऑफ जस्टिस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो धारा 94 न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया को अपना सकेंगे। पहला है प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाल सकेंगे, सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेंगे, संपत्ति की कुर्क कर सकेंगे, स्थायी आदेश जारी कर सकेंगे, कुर्क संपत्ति का विक्रय कर सकेंगे, उसके लिए विक्रय करने के लिए रिसीवर की नियुक्ति कर सकेंगे। ऑर्डर 41 रूल 5, ऑर्डर 41 रूल 5 में जो है नियुक्ति किसकी की जाती है, तो यहाँ पर कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ऑर्डर 41 रूल 5 में ये पूछा जाता है
किस ऑर्डर में जो है कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, तो ऑर्डर 41 रूल 5 में कलेक्टर को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अन्य अंतर्वर्ती आदेश जो भी न्यायसंगत हो प्रतीत हो उसके संबंध में न्यायालय जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। धारा 95 अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी कुर्की एवं व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर की बात करती है। तो यदि प्रतिवादी के द्वारा सुझाए गए आधारों पर न्यायालय को प्रतीत होता है कि कोई भी ऐसा आदेश जो कि अपर्याप्त आधारों पर अभिप्राप्त किया गया है, तो न्यायालय पक्षकार को हुई क्षति की पूर्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करने वाले पक्षकार पर जो है कम से कम 50,000 रुपये तक अनाधिक जुर्माना लगा सकता है, 50,000 से अधिक नहीं लगा सकता है। परंतु न्यायालय के जो जुर्माना 50,000 रुपये तक ही तभी लगा सकेगा जब उसको धन संबंधी अधिकारता हो, अपनी अधिकारताओं की परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वह प्रतिकर अधिनियमित कर सकेगा। भाग 7 वेरी इंपॉर्टेंट जो अपील के बारे में प्रावधान करता है, धारा 96 जो है मूल डिग्री के अपील के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग ऑर्डर 41 के साथ में पढ़ते हैं। और हिंदू मरीज एक्ट का सेक्शन जो है 28 उसमें भी बताया गया है मूल डिग्री के अपील के बारे में। तो 96(1) मूल डिग्री की अपील उच्च उस न्यायालय में होगी जो अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत हो। 96(2) ये कहता है कि 1/25 डिग्री की अपील हो सकेगी। और 96(3) ये कहता है कि सहमति से पारित डिग्री की कोई अपील नहीं होगी, लेकिन इसका अपवाद भी है। यदि सहमति जो है पक्षकारों की वो कपट के द्वारा प्राप्त की गई है तो उसकी डिग्री की जा सकेगी। कई केस लॉ हैं इसके संबंध में दिए गए हैं, लेकिन सामान्यतः जो है सहमति से पारित डिग्री की अपील नहीं होगी। 96(3) में प्रावधान दिया गया है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहमति से पारित डिग्री की अपील होगी कि नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको इस तथ्य का ध्यान रखना है अगर ये दिया गया है कि डिग्री सहमति से पारित की गई डिग्री में सहमति कपट के द्वारा प्राप्त की गई तो उसकी अपील हो सकेगी। यदि वो सहमति स्वेच्छा से दी गई है तो उसकी अपील नहीं होगी। धारा 97 में जहाँ प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की गई है वहाँ पर अंतिम डिग्री की अपील के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो प्रारंभिक डिग्री की शुद्धता के बारे में विवाद करने से उसको रोका जाएगा। अंतिम डिग्री में जहाँ कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुनी जाए वहाँ पर किसके द्वारा निश्चय किया जाएगा, धारा 98 में बताया गया है। तो न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार उसका निश्चय किया जाएगा। यदि न्यायालय की बहुसंख्या नहीं है तो वहाँ पर सहमति से डिग्री को जो है पुष्ट कर दिया जाएगा, धारा 98 कहती है। दूसरी अपील के संबंध में प्रावधान है, धारा 100 में दिए गए हैं। तो दूसरी अपील के संबंध में जो ऑर्डर है वो 42 प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। दूसरी अपील जो है वो विधि के सारवान प्रश्न पर उच्च न्यायालय में होगी। और 1/25 डिग्री की भी अपील हो सकेगी। अपील के ज्ञापन में विधि के सारवान प्रश्न होने चाहिए। प्रति उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अपील के ज्ञापन में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्विलुप्त नहीं है तो डिग्री जो है तो अपील नहीं सुनी जाएगी। धारा 101 कहती है कि द्वितीय अपील का किसी अन्य आधार पर ना होना। कोई भी दूसरी अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। मान लीजिए किसी भी अपील में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्विलुप्त नहीं है तो वो अपील नहीं सुनी जाएगी। धारा 102 कुछ मामलों में आगे दूसरी अपील ना होना उसको बताती है। 25,000 रुपये से अधिक डिग्री धन की वसूली की रकम है अगर तो दूसरी अपील नहीं होगी। 25,000 रुपये से अधिक पर ही दूसरी अपील होगी, 25,000 रुपये तक या 25,000 कम पे दूसरी अपील नहीं होगी। धारा 103 तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। यदि अभिलेख में साक्ष्य पर्याप्त है तो उच्च न्यायालय दूसरी अपील में निपटारे के लिए आवश्यक कोई भी विवादक अवधारित कर सकेंगे जो कि निचले न्यायालय के द्वारा प्रथम स्तर पर अवधारित नहीं किया गया है या फिर धारा 100 के अंतर्गत गलत अवधारित किया गया है। धारा 104 बे आदेश जिनकी अपील होगी, तो इसके साथ हम लोग ऑर्डर 43 को पढ़ते हैं। धारा 104 की उपधारा 1 निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। धारा 35(1) के अधीन आदेश की अपील की जा सकेगी। धारा 91(92) में वादों की इजाजत देने से इनकार करने वाले आदेश की अपील की जा सकेगी। धारा 95 के अधीन आदेश की अपील की जा सकेगी। धारा 96 के निष्पादन डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तारी या निरोध का आदेश के सिवाय आदेश ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों के द्वारा अनुज्ञात की गई है उसकी अपील की जा सकेगी। 104 की उपधारा 2 इस धारा के अंतर्गत अपील में पारित किसी भी आदेश की अपील नहीं होगी। यदि कोई अपील में आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अपील नहीं होगी। धारा 105 अन्य आदेश के बारे में बताया गया। 106 कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे उसके बारे में बताया गया। धारा 107 अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो 107(1) शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों को प्रयोग में ला सकेगा। पहला है मामले को अंतिम रूप से अवधारण करने के लिए, दूसरा है मामले को प्रतिप्रेषण रिमांड करने के लिए, तीसरा है विवादक विचित करके उनको विचारण हेतु निर्देशित करने के लिए, चौथा है कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने या उसको लिए जाने की अपेक्षा करने के लिए न्यायालय जो है अपनी शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। अपील के मामलों में
धारा 108 अपीलीय डिक्री और आदेशों के अपीलों में प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान दिया गया है, और धारा 109 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कब की जाएगी। संविधान का जो भाग 5 है जिसमें केंद्र के संबंध में प्रावधान दिया गया है, उस भाग 5 का अध्याय जो 4 है संघ की न्यायपालिका के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। जो भारत के न्यायालय से अपील के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की सिविल कार्रवाई में किसी भी निर्णय डिक्री अंतिम आदेश की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो यदि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि मामले में महत्वपूर्ण विधि का कोई सारभान प्रश्न जो है अंतर्विष्ट है, सम्मिलित है, या फिर हाईकोर्ट की राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निश्चय किया जाना आवश्यक है, तो उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। धारा 110, 111 और 111 ए इनको रिपील किया जा चुका है। धारा 112 में व्यावृत्तियाँ दी गई हैं, सेविंग्स के बारे में बताया गया है। तो 112 ए की कहती है कि संहिता में उपबंधित किसी भी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि वे ऐसे अनुच्छेद 136 जो है सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के संबंध में बनाए गए किसी भी उपबंधों में हस्तक्षेप नहीं करती है। 112 दो संहिता में उपबंधित कोई भी बात दांडिक नवाधिकारिक विषयों के संबंध में उप नवाधिकारिक विषयों के संबंध में प्राइज न्यायालयों के आदेशों और डिक्रियों की अपीलों को लागू नहीं होगी, ये सेविंग्स धारा 112 में बताया गया है। भाग 8 निर्देश पुनर्विलोकन पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो धारा 113 उच्च न्यायालय को निर्देश के बारे में बताया गया है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन धारा 113 में, रेफरेंस 14 में रिव्यू, 15 में रिवीजन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो धारा 113 उच्च न्यायालय को रेफरेंस के बारे में बताती है। इसके संबंध में जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर 46 दिया गया है। धारा 113 मामलों को हाईकोर्ट को निर्देशित किए जाने संबंधी उपबंध करती है, जहाँ किसी भी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में अधिनियम विनियम या अध्यादेश या उसके किसी भी प्रावधान की वैधता से संबंधित प्रश्न अंतर्विलिप्त है तथा जिस हाईकोर्ट के अधीन हुए न्यायालय है उसके द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको अवैध या अप्रभावी घोषित नहीं किया गया है तथा इसका अवधारण मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक है, तो वही न्यायालय ऐसे मामलों का कोई हाई कोर्ट को निर्देशित कर सकेगा। विशेष नोट यह है कि धारा 113 के अंतर्गत निर्देश के लिए आवेदन जो है न्यायालय कर सकता है, कोई पक्षकार नहीं करता है इसमें। धारा 114 पुनर्वलोकन के संबंध में प्रावधान दिया गया रिव्यू के बारे में, तो इसके संबंध में जो ऑर्डर है वो 47 रिव्यू की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में पूछनीय है। तीन परिस्थितियां हैं जिसमें रिव्यू जो है मेंटेनेबल है, किसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता के द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु कोई अपील नहीं की गई है। दूसरा है कि ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता के द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है तो उसके संबंध में रिव्यू किया जा सकेगा। तीसरा है कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा किए गए निर्देशों पर निश्चय के विरुद्ध रिव्यू किया जा सकेगा। तीन परिस्थितियों में जो है रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। धारा 115 पुनरीक्षण रिवीजन के बारे में बात करता है। इसके संबंध में हम लोग जो है आर्टिकल 32 और 226 देखते हैं। 115 एक जो है हाईकोर्ट किसी भी ऐसे मामलों के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे हाईकोर्ट के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय ने भी निश्चय किया है और जिसका कोई भी अपील नहीं होती है, और यदि प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिकारता का प्रयोग किया गया है जो उसमें निहित नहीं था, या फिर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसी अधिकारता का प्रयोग किया गया है या करने में असफल रहा है जो उसमें निहित नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारता का प्रयोग अवैध रूप से किया है या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, या तो हाईकोर्ट उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो ये ठीक समझे। धारा 115 में रिवीजन के बारे में प्रावधान दिया गया है। भाग 9 की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए। धारा 116 120 तक ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 121 से लेकर 131 तक भाग 10 जो दिया गया है इसमें प्रथम अनुसूची के नियमों का प्रभाव दिया गया है। 121 में इसमें नियम के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में जो कुल 51 आदेश दिए गए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो 121 में बताया गया है, और 125 में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। 127 और 131 जो धाराएं हैं वो नियमों के प्रकाशन के बारे में प्रावधान करती है। तो ये जो भाग 9 और भाग 10 जो है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भाग 11 है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 132 से लेकर 158 जो धाराएं हैं भाग 11 में दी गई हैं, मिसलिनियस प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें। तो धारा 132 कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंज्ञा से छूट की बात करती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सब रूल भी सब सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो 132 एक
ऐसी स्त्रियां जो रूढ़ी या प्रथा के अंतर्गत लोगों के सामने आने हेतु विवश नहीं की जा सकती हैं, उनको न्यायालय व्यक्तिगत उपसंहार से छूट प्राप्त करेगा। 132 तो यह कहता है कि संहिता की कोई भी बात ऐसी स्त्रियों पर लागू नहीं होगी जिनकी संहिता के द्वारा गिरफ्तारी निषिद्ध नहीं है, गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा 133 अन्य व्यक्तियों को छूट। धारा 133 एक निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के हकदार होंगे। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दूसरा है लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष। तीसरा है केंद्र तथा राज्य के मंत्रीगण। चौथा है सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश। पांचवा है राज्यों के राज्यपाल तथा राज्य विधानसभा राज्य परिषद के सभापति जो हैं। छठा है वे व्यक्ति जिनको धारा 87B लागू होती। 87B में भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो ये व्यक्ति हैं न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के हकदार होंगे। धारा 133B BIPO के संबंध में प्रावधान के बारे में उपबंधों को दिया गया है। धारा 134 डिग्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी की बात करता है, तो CPC की जो धारा 55, 57 और 59 के उपबंध जो है वो संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को लागू होंगे। धारा 135 सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट किन को प्राप्त है, तो 135 ए के कहते हैं कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक अधिकारी उस समय जब वो न्यायालय को जा रहा हो या फिर न्यायालय से वापस आ रहा हो या उस न्यायालय में पीटासीन हो तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 135 ए कहता है कि जहां पर मामला ऐसे अधिकरण के समक्ष लंबित है जिसको मामले को सुनने की अधिकारता है, वहां पर उस मामले के पक्षकार या उनके प्लीडर या फिर उनके मुख्तार या फिर राष्ट्रीय अभिकर्ता या फिर साक्षी जो मामले से संबंधित है या जो गवाह वो अधिकरण को जा रहे हों या अधिकरण से लौट रहे हों या उसमें हाजिर होने जा रहे हों, तो सिविल आदेश का के अधीन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उनको छूट रहेगी। 135 ए विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी व निरुद्धि से छूट दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति जो विधायी निकायों के सदस्य हैं या तो यथास्थिति संसद के सदनों या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों को संयुक्त बैठक, अधिवेशन में, सम्मेलन में या संयुक्त तरीके सम्मति के चालू रहने के लिए दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात उनको सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। धारा 135 ये धारा 136 से कहती है कि जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है तो वहां पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। धारा 137 कहती है अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी, तो 137 एक हाईकोर्ट के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय की भाषा जो वह है तब तक वह बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार कोई भी निर्देश ना दे, तो जो हाईकोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं जहाँ पर वो जो भाषा प्रयोग की जाती उस न्यायालय की भाषा वही बनी रहेगी जब तक कि कोई राज्य सरकार उसके संबंध में विशेष उपबंध नहीं करता है। 137 तो ये कहता है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी राज्य सरकार घोषणा के द्वारा निर्धारित कर सकेगी। 137(3) जहाँ साक्ष्य को अंग्रेजी में लिखे जाने की अपेक्षा है तो वहाँ पर साक्ष्य को अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा, परंतु जो है कोई भी पक्षकार या उसका प्लीडर अंग्रेजी नहीं समझता है, नहीं जानता है, तो ये न्यायालय की भाषा में उसको अनुवाद करने के लिए आवेदन कर सकेगा। धारा 138 साक्ष्य का अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात की गई है। धारा 139 शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दुलाई जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन इस पर सबसे ज्यादा बनते हैं धारा 139 पर, तो संहिता के दिन किसी भी शपथ पत्र की दशा में कोई भी न्यायाधीश हो, मजिस्ट्रेट हो, नोटरी अधिकारी हो या उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति या राज्य सरकार के द्वारा साधारणता या विशेष आदेश के द्वारा सशक्त किया गया कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अन्य न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी जो है शपथ पत्र को अनुप्रमाणित करवा सकेगा। धारा 140 उद्धरण आदि के मामलों में असेसर की बात करती है। धारा 141 प्रकरण कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान दिया गया। धारा 142 आदेश और सूचनाओं का लिखित होना, तो संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 131 में भी ये कहा गया कि आदेश और सूचनाएं वो लिखित में होनी चाहिए। सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामील संहिता के अनुसार व्यक्ति पर की जाए या उसे दी जाए लिखित रूप में होंगी। धारा 143 डाक महसूल की बात करती है। धारा 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन की बात करती है, तो प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन जो है TPA के धारा 44 में दिया गया है। धारा 145 पितृ के दायित्व का प्रवर्तन के संबंध में प्रावधान दिया गया। धारा 146 प्रतिनिधियों के द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाइयों के संबंध में प्रावधान धारा 146 में दिया गया है। धारा 147 निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार के बाद में संबंध में प्रावधान दिया गया। धारा 148 समय का बढ़ाया जाना, जहां इस संस्था में कोई अवधि नियत या अनुदत्त की गई है वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार स्वयं समय समय पर नियत अवधि के अवसान के पश्चात कुल मिलाकर के 30 दिन से जो अधिक ना हो उसको बढ़ा सकेगा। तो 148 में न्यायालय कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक समय
अवधि बढ़ा सकता है। धारा 148 कैविएट दायर करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो कैविएट दायर करने का उद्देश्य क्या है? न्यायालय को एक पक्षीय आदेश से देने से रोकना है ताकि दूसरे पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जा सके। ये कैविएट दायर करने का उद्देश्य होता है। तो धारा 148 धारा 5 के अनुसार कैविएट दायर करने की जो दिनांक से है वो कितने दिन तक प्रवर्तन में रहती है? तो ये प्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, प्री एग्जाम का, कैविएट कितने दिन तक प्रभावी रहती है। तो दायर करने के दिनांक से 90 दिन तक प्रवर्तन रहेगी, उसके पश्चात कैविएट का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, फिर आपको दूसरी कैविएट फाइल करनी होगी। तो इस प्रावधान को 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ताकि दूसरे भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। तो हम लोग इसमें एक मैगजीम को भी एड कर सकते हैं, ऑडी अल्टरियम पार्टम। तो ऑडी अल्टरियम पार्टम ये कहता है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनवाई का अवसर दिया जाए, एक पक्ष को सुनकर के कोई भी निर्णय न किया जाए, दूसरे पक्षकार को एक युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो ऑडी अल्टरियम पार्टम रूल भी 148A में समाहित किया जा सकता है। इसके बाद धारा 149 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने के शक्ति की बात करती है। कोई भी दावा अगर दायर हो गया है और उसमें कोर्ट फीस कम है तो ऐसा नहीं है कि जो दावा है वो संस्थित नहीं माना जाएगा, तो न्यायालय जो है कोर्ट फीस पूरा करने का आदेश कर सकेगी पक्षकारों को। धारा 150 कारोबार के अंतरण के बारे में बताइए। धारा 151 वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें न्यायालय की इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। इस तरीके से सीआरपीसी की धारा 482 भी उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर सिविल न्यायालय, कोई भी सिविल न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। तो अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग जो है न्यायालय न्याय के उद्देश्यों के लिए कर सकता है, न्यायालय की आदेश का दुरुपयोग और उसके निवारण के लिए कर सकेगा। धारा 152 निर्णय डिग्रियों आदेशों के संशोधन के संबंध में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी में जो प्रावधान है धारा 362 में दिया गया है। तो 152 में न्यायालय डिग्री निर्णय और आदेशों में किसका संशोधन कर सकेंगे? तो कोई भी मैथमेटिकल एरर है उसको ठीक कर सकेंगे, कोई भी आकस्मिक भूल है या लोप है उसको ठीक कर सकेंगे, या फिर कोई भी क्लिकर का मिस्टेक है उसको ठीक कर सकेंगे स्वयं प्रेरणा से, या फिर न्यायालय की जो है पक्षकार के आवेदन पर गलतियों को सुधार सकेंगे। इसके सिवाय उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा जिससे कि कोई निर्णय आदेश या डिग्रियों का जो है उद्देश्य ही बदल जाए, उस तरीके का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। सिर्फ मैथमेटिकल मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक और कोई जो है इंसिडेंटल मिस्टेक या ओमिशन हो गया है उसको सुधार किया जा सकेगा। धारा 153 संशोधन 153 जहां अपील सच्चता खारिज की गई है वहां डिग्री या आदेशों के संशोधन की बात की गई है। धारा 153 भी विचारण के न्यायालय को खुला न्यायालय समझा जाएगा, ओपन कोर्ट निर्णय जो है खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 327 में निर्णय जो है खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा क्रिमिनल मामलों में, और अपील जो है वो ऑर्डर 41 रूल 30 में कहा गया है कि न्यायालय को खुला न्यायालय समझा जाएगा, न्यायालय अपील जो है खुले न्यायालय में सुनाई जाएगी। धारा 154 से लेकर 157 तो को निश्चित कर दिया गया, रिपील हो गई है। धारा 158 जो है सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निश्चित अधिनियमों की पत्र निर्देश के बारे में प्रावधान करता है, जहां तक हो सके इस संहिता या इसके भाग जो है या फिर आदेश धारा या नियम के प्रति जो है निर्देश उसको माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स जिनको सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है उन तथ्यों को कवर किया है, और एकदम स्मार्ट रिवीजन आप कर सकते हैं, कम समय में सीपीसी के आदेशों को और धाराओं को समझा जा सकता है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई धाराएं डिटेल्स में डिस्कस की जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो है वो प्री और मेंस दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग जो है आदेशों को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे जिससे कि प्राइमरी परीक्षा में भी कोई भी प्रश्न ना छूट सके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के कंटेंट्स यदि आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को अन्य लोगों को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले समय में वीडियोज की जानकारी समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।